हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरे चैनल है टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा स्विमिंग बॉय मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ओप्पो का A12 जो कि अभी लॉन्च हुआ है। वीडियो लेट है उसके लिए सॉरी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बालाजी कम्युनिकेशन शॉप दिखा देता हूँ। शॉप लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप परचेज करें। ये है बालाजी कम्युनिकेशन शॉप, जो कि शॉप लोकेशन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे आपको हर तरह के मोबाइल मिल जाएंगे देखने को, ठीक है फ्रेंड्स। सैमसंग, एप्पल, आपको ओवरऑल वीवो सारे मिल जाएंगे। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ओप्पो के A12 के। तो चलो स्टार्ट करें वीडियो। ये है ओप्पो का A12। बॉक्स कंटेंट कुछ ऐसा है, मैंने इसकी कटिंग पहले कर लिया है ताकि जो टाइम ना वेस्ट हो। तो अब दिखाते हैं इसका बॉक्स कंटेंट, जल्दी जल्दी खुल जाए। तो फ्रेंड्स, बॉक्स कंटेंट आपने देख लिया। सबसे बेस्ट मैं इसका बता दूं कि 10,000 रेंज में आपको ओप्पो कवर देने लगी, क्योंकि कवर नहीं आता अभी आजकल कईयों में, कवर नहीं आता, फ़ोन महंगे हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल हम बात करें, ये आपको 9990 में देखने को मिलेगा, बल्कि लगभग 10,000 रुपये में अब ये सेटअप को देखने मिलेगा ओप्पो का। 3/32 में, बल्कि 3GB रैम देखने को मिल जाएगी, 32GB इंटरनल मेमोरी देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, डिस्प्ले आपको इसकी मिलेगी 6.22 इंच देखने को, जो कि HD+ आपको देखने को मिलेगी। अगर फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा आपको 5 MP देखने को मिलेगा। राइट साइड की बात करते हैं तो राइट साइड में आपको पावर लॉक बटन मिलेगा। लेफ्ट की बात करते हैं तो लेफ्ट में आपको वॉल्यूम की रोकर बटन मिलेगा। साथ के साथ सिम स्लॉट आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप 2 नैनो सिम डाल सकते हो, साथ के साथ एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। अगर आपकी बात करते हैं तो आप एकदम बेजलेस मिलेगा। अगर डाउन की बात करते हैं, डाउन में आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा, ड्यूल मैक देखने को मिल जाएगा, नॉइस कैंसलिंग के लिए नॉर्मल मैक देखने को मिल जाएगा, आपको चार्जर देखने को मिल जाएगा जो कि नॉर्मल चार्जर रहेगा, उसके बाद आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बैक की, बैक में आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको ड्यूल कैमरा मिल जाता है, जो कि आपको 13 MP प्लस 2 MP का मिलेगा, और साथ में एक फ्लैश मिलेगी। बाकी एक चीज़ बता दूं कि आपका क्या इस सेट से रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके ओवरऑल फीचर्स के बारे में या फिर इसकी डिटेल की बात करते हैं, तो इसमें आपको 3GB रैम मिलेगी और 32GB इंटरनल मेमोरी मिलेगी 10,000 के बजट में। अगर प्रोसेसर की बात करते हैं तो प्रोसेसर भी इसका काफ़ी बढ़िया कह सकते हैं कि हाँ, अभी 10,000 की रेंज में P35 आपको प्रोसेसर मिलता है, तो P35 प्रोसेसर 10,000 की रेंज में काफ़ी बढ़िया रह जाता है। बाकी हो सकता था थोड़ा सा और बेटर हो सकता था इसमें, पर ओवरऑल ओप्पो ने जो भी दिया है सही है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस प्रोसेसर के हिसाब से, अगर देखा जाए तो इसमें हल्का फुल्का सारा काम कर सकते हो। अगर आपने पबजी करनी है तो पबजी आप एकदम लो ग्राफिक में खेल पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओवरऑल अगर इसकी बैटरी की बात करते हैं तो 4230 mAh की आपको इसकी बैटरी देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं इसके कुछ खास फीचरों की, तो फीचर्स मैं बता देता हूँ इसमें। जैसे कि कैमरा हम चेक कर लेते हैं, 5 MP का कैमरा है इसका, कैसा परफॉर्मेंस करता है। तो पहले फ्रंट कैमरा देख लेते हैं। फ्रंट कैमरा देखा जाए तो ठीक है, जहाँ तक देखा जाए तो एक फ़ोटो खींच के देख लेते हैं। तो ये चेक कर सकते हो फोटो कुछ इसकी ऐसी आ रही है, जो कि एक सेकंड, फ़ोटो कुछ ऐसी आ रही है जो कि नॉट बैड, ठीक है फ्रेंड्स। 10,000 की रेंज में सही फ़ोटो काफ़ी अच्छी आ रही है। उसके बाद आप बैक कैमरा देख सकते हो इसका, बैक कैमरा भी काफ़ी बढ़िया है। बैक कैमरे में आपको ऑप्शन में वीडियो मोड का मिल जाता है, उसके बाद आपको पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, बल्कि बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आपको और भी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि पनोरमा शॉट, एक्सपर्ट शॉट आपको मिल जाते हैं, स्टिकर्स मिल जाते हैं, स्टिकर्स जो कि काफ़ी बढ़िया रहते हैं, जिसमें आपने किसी को भालू जोकर जो बनाना हो बना सकते हो इजीली, जैसे कि ये देख सकते हो अभी, ये काफ़ी बढ़िया रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसका हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में, आप अपसे डाउन करते हैं तो आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। पहले ओप्पो का ओप्पो टू ओप्पो शेयर इट मिल जाता है, मतलब कि जैसे कि आपने कोई फाइल करनी है तो वो आपको मिल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेविगेशन मिल जाता है, कैलकुलेटर आपको ऊपर मिल जाता है। अगर आप कोई गेमिंग करें या कुछ करें तो आपको क्लीन का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ क्लिक करोगे ओवरऑल जितनी एप्लीकेशन है ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब और ऑप्शन बात कर लेते हैं कि आपको शॉर्ट की में क्या क्या मिलता है। शॉर्ट की में आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है, स्मार्ट व्यू, जैसे कि अगर आप कोई फ़ोन पे कर रहे हो और आपने स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट करना है तो यहाँ से इजीली कर पाओगे, जो कि काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। आपको स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको बोल्ड का मिल जाता है ऑप्शन, जो कि आप इजीली यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो आप यहाँ सेटिंग करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे डबल क्लिक करोगे इसमें, अभी बैक जा रहा है तो आप उसी के हिसाब से इसमें यहाँ सेटिंग कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया है,
ठीक है फ्रेंड्स, कई जने होते हैं जो इसमें आप कुछ भी इसमें सेट कर सकते हो, जैसे व्हाट्सअप या कुछ भी आप जहाँ सेट करना चाहो कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको नीचे स्वैप करना है, यहाँ पे थ्री लाइंस आ रही है, नीचे एरो आ रहा है, यहाँ क्लिक करोगे तो आप अगर आप इस चीज़ को ऊपर लेके जाना चाहते हो तो इजीली लेके भी जा सकते हो। जैसे स्क्रीन रिकॉर्ड आ जाता है, आप क्लिक करोगे इसको, आप यहाँ छोड़ोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी, तो ये यहाँ पे डन करोगे तो ये यहाँ सेफ हो जाएगी आसानी से। उसके बाद आपको ड्राइविंग मोड आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको ये कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिंगल टच लॉक के लिए, ये भी काफ़ी बढ़िया ऑप्शन दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, बटन दबाने की जरूरत नहीं, हम जैसे कोई काम कर रहे हैं तो इजीली आप कोई काम कर रहे हो तो अगर आपने इसको ऊपर रखा हुआ है तो आप ऊपर से नीचे स्वैप करो, इजीली सिंगल टच करके आप इसको लॉक कर सकते हो। उसके बाद अगर आप बाई चांस कि आपको लग रहा है कि हाँ मेरा थम्स वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, आप ऊपर से नीचे स्वैप करके इसको अपना मोबाइल को छोटा करके इसकी स्क्रीन छोटी करके तो आप इसको शॉर्ट स्क्रीन में यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी बेटर है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हो कि मैं सिंगल हैंड से इसको वर्किंग कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन बेस्ट लगता है मुझे ज़रूर बताना। अगर हम बात करते हो आपको गेमिंग मोड इसमें आपको स्पेशल मिल जाता है, इसमें कि आप गेमिंग करोगे तो गेमिंग की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया आएगी इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, फिलहाल हम इसका सेटअप रहने देते हैं, जब मैं इसकी गेमिंग टेस्ट करूँगा उसके ऊपर आपको दिखा दूँगा कि इसमें क्या क्या रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर बात करें तो ये फ़ोन मुझे ठीक लगा कि 10,000 की बजट में ओप्पो ने कोई निकाला, तो बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर बताना। बाकी छोटी मोटी जैसे एप्लीकेशन आ जाती है, स्क्रीन शॉट कैसे लेने हैं, डबल एप्लीकेशन चलानी कैसे है, वो बहुत आसान है, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप कहते हो इसके सारे फीचर्स के ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगा, तो चलो वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। फ्रेंड्स, ओवरऑल मैंने इसकी सारी डिटेल आपको बता दी है, 10,000 की बजट में ये मुझे फ़ोन ठीक लगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर बताना। इसकी कॉन्फ़िगरेशन जाते जाते एक बार फिर से बता देता हूँ। डिस्प्ले आपको इसकी LCD मिली देखने को मिलेगी, जो कि HD प्लस है, 6.22 इंच आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो 5 मेगापिक्सल मिलेगा। बैक में आपको ड्यूल कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल है, साथ में एक फ्लैश मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं इसको, नॉर्मल आपको चार्जर देखने को मिलेगा पर 4230 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी। अगर लुक वाइज बात करते हैं तो बैक में इन्होंने थोड़ा रेशो दे रखे है, जो इसी हिसाब से दे रखे है जिसके कारण फिंगरप्रिंट नहीं छपते इसमें, मतलब कि ऐसे है ना, इसमें हल्की हल्की लाइन है, ये आप देख सकते हो, पता नहीं ये देख सकते हो कि इसके ऊपर मैंने ये ऐसे देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी मतलब कि लुक दे रखी है इन्होंने, जिसके कारण प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें आप फिंगर नहीं छपते इसमें। जैसे होता है ना कि हमने कुछ खा रहे हैं तो हमें पीछे हाथ लग गया, छप गया, वो चीज़ नहीं होगा। अगर अदरवाइज साफ भी ये काफ़ी जल्दी हो जाएगा। बाकी ओवरऑल ये मुझे सेट ठीक लगा कि 10,000 की रेंज में जो ओप्पो ने निकाल दिया। प्रोसेसर की बात करते हैं तो प्रोसेसर भी काफ़ी बढ़िया है, P35 इसका प्रोसेसर है, जो कि 10,000 की रेंज में ठीक है। अगर देखा है इन्होंने पहले जो ओप्पो ने निकाला था A5S, उसमें भी सेम प्रोसेसर देखने को मिला था, पर बल्कि अगर कुछ बढ़िया नहीं तो ज़्यादा घटिया भी नहीं किया इन्होंने 10,000 की रेंज में। बाकी अगर देखते हैं इसकी प्रोसेसर में कि जब ये मार्केट में जाता है तो इसका रिस्पॉन्स बैक कैसा मिलता है, कि क्या इसका ओपिनियन मिलता है कि हाँ भाई ये बढ़िया है या कैसा नहीं है, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँ जिसके कारण आपको फीडबैक मिल सके कि हाँ भाई ये फ़ोन कैसा है। क्योंकि हम करते हैं ऐसे, मैं इसकी मोस्टली मैं सभी फ़ोनों की अनबॉक्सिंग करता हूँ, तो उसके सिर्फ अनबॉक्सिंग के आधार के ऊपर सारा कि क्लियर नहीं होता। अनबॉक्सिंग में आपको डिटेल्स पता चल जाती है क्या क्या है क्या क्या नहीं है, पर ओवरऑल देखा जाए तो मुझे ये फ़ोन 10,000 की बजट में सही लगा। हाँ, अगर GST नहीं बढ़ा होता तो ये मेरे हिसाब से 7, 7.5 या 8 हज़ार की रेंज में फ़ोन आना था, तो पर अभी GST बढ़ चुका है, आपको पता है सभी मोबाइल्स के और लैपटॉप के मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक के सबके रेट बढ़ चुके हैं, क्योंकि पहले 12% GST लगता था, अब 18% लगता है। अब जाते जाते एक टिप्स आपको और दे देता हूँ। आजकल सभी फ़ोन बहुत हीट हो रहे हैं, जिसके कारण इशू आ रहा है कि वो चार्ज नहीं हो रहा, पर कंपनी ने ये फीचर्स डाला होता है जिसके कारण कि वो जब ज़्यादा गर्म हो जाता है, ओवरहीट हो जाता है, जिसके कारण चार्ज ऑटोमेटिकली कट कर देता है, बैटरी जितनी मर्जी परसेंट चार्ज हो ताकि जो फ़ोन ब्लास्ट ना हो जाए, ये इनके प्लस पॉइंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने गौर करना है कि आपको केयर सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, आपने जब फ़ोन चार्ज करना है तो आपको कपड़े को निचोड़ के यहाँ पीछे बैक साइड में ऐसे रख देना, कपड़ा अच्छे से निचोड़ देना और ऊपर से भी ढक देना थोड़ी देर के लिए जब आप चार्ज लगाओगे, और कपड़े को थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहना, जिसके कारण आपका जो फ़ोन हीट है उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा और आपका फ़ोन सही वर्क करेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और ये फ़ोन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए।